हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसे अपन हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं, वो हिंदी जो अज्ञानी से शुरू होकर, अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी तक अपन को पहुंचाती है, उसी हिंदी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको हिंदी में पढ़ने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हिंदी का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है हिंदी व्याकरण है जो अपन को क्या है, अनपढ़ से लेके कहां तक ज्ञानी तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज अपन यहाँ पे क्या है कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो वो बातचीत क्या रहेगी, देखिएगा आपका हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है उस सिलेबस में देखिएगा, पहले एक बेसिक रूप से कहा जाए ना तो हिंदी को अपन तीन भागों में बांटते हैं। जब भी अपन को हिंदी भाषा पढ़नी होती है तो हिंदी भाषा पढ़ने के लिए अपन हिंदी को कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों के अंदर बांटते हैं। और वो तीन भाग कौन कौन से हैं, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे वो तीन भाग है, देखिएगा हिंदी के भाषा के तीन अंग होते हैं। हिंदी भाषा के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं सर। वो तीन अंग कौन कौन से हैं, एक तो होता है वर्ण, कौन सा होता है, एक तो होता है वर्ण। तीन अंग कौन कौन से हो जाएंगे हिंदी भाषा के, एक तो होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा आपका होता है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, इनसे आपकी हिंदी बनती है। अपना शरीर जिस प्रकार हाथ पैर आंख कान नाक इन अंगों से मिलके बना है, उसी प्रकार हिंदी का उद्भव है वो तीन अंगों से होता है। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण मिलके आपस में शब्द बनाते हैं, जब ज्यादा शब्द आपस में बन जाए तो वाक्य बनता है और वही अपन क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तो हिंदी के तीन भाग होंगे, वर्ण के अध्ययन को अपन वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार में अपन वर्णमाला पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में सीधा एक प्रश्न निकल के आता है, प वर्ण का उच्चारण स्थान है, प प ओष्ठ, आप कहते हैं ये तो होठ से होता है। तो वो वर्णों का उच्चारण स्थान है, जितने भी वर्ण है अपने, वर्ण में क्या क्या आएगा, वर्ण के अंदर आपके स्वर और व्यंजन आएंगे। वर्णमाला में अपन क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे हिंदी के, और हिंदी के क्या पढ़ेंगे, हिंदी के व्यंजन पढ़ेंगे। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आएंगे, तो वर्णमाला के बाद स्वरों और व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो उच्चारण स्थान देखेंगे। ये आपका क्या है, वर्ण विचार में हो गया। उसके बाद देखिएगा दूसरा आता है शब्द विचार। शब्द विचार में आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों, शब्द विचार में आपको तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। उष्ट्र, अपन कहते हैं सर उष्ट तो ऊंट को कहते हैं, बिल्कुल। शुक्कर, शुक्कर तो सर भंडूरे को कहते हैं, अरे बिल्कुल सही बात हो आप। कुक्कुर, कुक्कुर तो सर ये कूतरा होता है, कुत्ते को कहते हैं, वो तत्सम तद्भव शब्द। देशज विदेशज, अपन कहते हैं ढोर, ढोर अपना देसी शब्द है, अपन पशुओं को कहते हैं ढोर, पशु ढोर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द होंगे उनके बारे में, देशज विदेशज के बारे में। उसके बाद शब्द युग्म अर्थ, शब्द युग्म अर्थ कैसे, दोस्तों अलग अलग शब्द दिए जाते हैं उनके युग्म अर्थ पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्या, एक अरी छोटी दे दी, एक तो आपका अरी ऐसे लिख दिया अरी छोटी रिये, और एक अरी बड़ी लिख दिया, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, दोनों का अर्थ अपन को पूछा जाएगा, सुमिलित करने का एक प्रश्न आएगा अपने एग्जाम में, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द सुधि, कुछ शब्द गलत लिखे हुए होंगे, जैसे शब्द आपको लिख के दे देगा परीक्षा, क्या लिख दिया परीक्षा, अब आपसे पूछेगा कि यह शब्द सही है या गलत है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आपको पता है छोटी परीक्षा में री की मात्रा कैसी होती है, बड़ी होती है, परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा तो ये शब्द शुद्ध है। अगर यही शब्द युग्म की बात करते हैं, छोटी वाली परीक्षा का मतलब तो हो जाएगा कचरा, क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो हो जाएगा कचरा, और ये अपने वाली परीक्षा है जिसका मतलब परीक्षण, परख या जांच, जो भी अपन कहते हैं परख जांच वगैरह ये, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जो आपको मिलेंगे शब्द विचार से। बाकी इसमें प्रत्यय उपसर्ग भी आएंगे, उसकी भी अपन बात करेंगे। वाक्य विचार है, वाक्य विचार जो सबसे बड़ा भाग होगा इसका, उसमें अपन वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार देखिए, रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र तीन प्रकार आपको पता है, अर्थ के आधार पर आठ प्रकार होंगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आएगा वाक्य शुद्धि, वाक्य को शुद्ध करना, गलत वाक्य लिखा गया है गलत वाक्य को क्या है, शुद्ध करना। मुझे उनसे उपहार भेंट हुआ, मुझे उनसे उपहार भेंट हुआ या मुझे उनसे उपहार मिला, ऐसे आपको क्या सही वाक्य कौन सा उसकी पहचान करनी होगी। अगर कुछ वाक्य में गलती है तो वो गलती कौन सी उसका पता करके दोस्तों उस वाक्य के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद अपन और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद देखिएगा आप, सबसे जो चीज आपको हार्ड लगती है वो हार्ड नहीं है लेकिन मानिए बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। संधि क्या है, संधि पढ़ेंगे। संधि पढ़ने के बाद संधि के साथ साथ अपना क्या आता है, समास आएंगे। समास के बाद उपसर्ग और प्रत्यय, जिनसे आपका क्या है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, कहां कहां से उपसर्ग और प्रत्यय,
जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके साथ साथ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये मित्रों है ना, इन पे आपकी पकड़ बनानी पड़ेगी। एक दिन में आप पर्यायवाची और विलोम सारे याद नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको आगे रामबाण भी बताऊंगा कि कैसे आपको बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत सारे विलोम शब्द है कैसे याद करने। उसके साथ साथ एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है ना, कि क्या है, कम बोलने वाला, ज्यादा सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी, जिसको कभी जीता न जा सके, अजय, ऐसे शब्द आएंगे। पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि, इस हिंदी का सबसे ट्रेंडिंग प्रश्न है जो एग्जाम में छपता है। उसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियां, ये तो आपके हो गए सभी को पढ़ने, इतने तो सभी को अपन का हिंदी का बेसिक भाग ये तो होता ही है। अब कुछ चीजें मैंने आपके पीछे यहां पे छोड़ी है, जो मैंने क्या रेड कलर से लिखी है, इनका क्या मतलब है, तो दोस्तों देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। ये यहां पे लिखने का एक ही मकसद है कि ये आपका जो पीटीटी का एग्जाम है, पीटीटी के सिलेबस के अंदर है, बीएसटीसी वालों के लिए नहीं है। अपन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपन को क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण, ये नहीं पढ़ने, क्योंकि इनमें से सिलेबस में तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सिलेबस कोई फिक्स तो होता नहीं है, प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है, परीक्षा का नेचर ही ऐसा है। फिर भी क्या है, आके भी यहां से एक या एक प्रश्न आएगा, मुश्किल से इन सारों में से एक प्रश्न। अगर बीएसटीसी में ये आएंगे नहीं, आ भी गए, फिर भी सर आपने कहा था नहीं आएंगे, आ भी गए तो ज्यादा नहीं आएंगे, एक प्रश्न, कितना प्रश्न, एक प्रश्न, तो एक प्रश्न के लिए इतने टॉपिक पढ़ना मैं उचित नहीं समझता। तो ये वाली बात अपने यहां पे होगी। जिनकी पीटीटी है उनको अच्छे से पढ़ना, पीटीटी वालों को तो हिंदी में कुछ छोड़ना ही नहीं है, पत्र लेखन से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। पत्र लेखन से भी क्या है, जिनके पीटीटी है, आपको कह रहा हूं, पत्र लेखन से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो परिभाषिक शब्दावली होती है आपकी, कौन सी, जो परिभाषिक शब्दावली होती है वहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, या जिसको कहेंगे प्रशासनिक शब्दावली, जो अपने गवर्नमेंटली यूज होती है, उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न ऐसे ऐसे आएंगे। मेन मेन जो टॉपिक थे अपने हिंदी के, वो मैंने आपको बता दिए। अपन किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। इन चीजों को अपन यहां पे क्या पढ़ेंगे, आपका जो टारगेट रहना चाहिए, कितने प्रश्न अपन को सही करना है, तो देखिएगा, बात की जाए अगर पीटीटी की, तो पीटीटी के अंदर आपके परीक्षा के अंदर 50 प्रश्न हिंदी के भी आएंगे और 50 प्रश्न अंग्रेजी के भी आएंगे, ठीक है। अब आप यहां पे कोर्स से जुड़े हो, तो अपना कोर्स हिंदी नेचर का आपको पहले ही बता रखा है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में 50% हिंदी वाले करेंगे, अथवा में आएंगे, या तो 50% इंग्लिश वाले करो या 50% हिंदी वाले करो। तो आप 50% हिंदी वाले करोगे तो आपके एग्जाम में 50% क्या आएंगे, हिंदी वाले आएंगे। अब सर 50 में से कितने सही हो सकते हैं, देखिए सही करने को तो आप 40 प्लस कर सकते हो, 45 प्लस कर सकते हो, ठीक है। वो आप कौन बच्चा इस हिंदी सब्जेक्ट के अंदर कितनी मेहनत करेगा उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी एक कम से कम के सर इतने तो करने ही है, नहीं तो आपका सपना टूट जाएगा 450 वाला, इतने तो करने ही पड़ेंगे। आप कोर्स के साथ जुड़े हो, लहर क्लासेज ऐप आपने डाउनलोड किया है, कोर्स लिया है, मतलब आपको कम से कम कुछ भी कर लो, चाहे रात को नींद त्याग लो, टीवी देखना छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, लेकिन 35 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे। यहाँ पे आपको हिंदी का जो मैटर दिया जाएगा उससे आप क्या है 40-45 प्रश्न तक आराम से सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपन विलोम शब्द भूल जाएंगे, कुछ अपन अर्थ युगम भूल जाएंगे, कुछ शब्दों को अपन को पहचानना नहीं आएगा कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, तो सारा कुछ गड़बड़ होते होते भी आपको कम से कम 35 प्रश्न का टारगेट लेके चलना है 50 में से, तब आपके हिंदी सब्जेक्ट में 105 नंबर बनेंगे। और है भाई इतने ही होते हैं, ज्यादा सही नहीं होंगे हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी अपन को लगती है एक छोटी चिड़िया है, लेकिन ये जब चिड़िया अपने पंख फैला के आसमान की ओर ऊंचाई भरती है, तो इसकी अनंत ऊंचाई को नापने के लिए क्या पसीने छूटते हैं अपने, ठीक है। जिनके बीएसटीसी है, बीएसटीसी वालों के क्या है, हिंदी के आएंगे 30% और इंग्लिश के आएंगे 20%, इनके कोई अथवा अथवा नहीं है, मास्टर जल्दी बनना है, दोनों करने पड़ेंगे, 30% हिंदी के भी करना है और 20% इंग्लिश भी करना है। हिंदी के अथवा में संस्कृत आती है, तो संस्कृत वाले यहां पे कोई होगा नहीं, ठीक है, और संस्कृत अपन करने ही नहीं वाले, ठीक है, अपना कोर्स हिंदी का, यहां पे इंग्लिश भी कराई जाएगी, हिंदी भी कराई जाएगी। तो हिंदी में आपके बीएसटीसी वालों के 22 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, 22 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। हिंदी में 30 में से 28 प्लस आपको मैं यहां पे सही करने की गारंटी देता हूं, आपको जो मैटर मिलेगा हिंदी में आपके बीएसटीसी वालों के क्या 30 में से 28 प्रश्न आप मजे से सही कर सकते हो, होंगे सबके 28 का अपन टारगेट लेके चले तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मान लिया सर गड़बड़ हो गई, कट गए, फट गए, भूल गया, खा जावन ढूकी एग्जाम में, हिर दुकन ढूकियो, आंखियां जड़न ढूकी, बारिश आ गई, जो भी एक्स वाई जेड सब कुछ होते हुए भी आपको क्या है 22 क्वेश्चन क्या है एकदम सही अटेंड करने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना। कुछ किताबों में पीटीटी के लिए लिखा हुआ है कि एक नंबर नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप मजे से क्या है पूरे गोले भर के आना है, एक भी गोला अपन को छोड़ना नहीं है। तो ये दोस्तों हिंदी का सिलेबस था,
बहुत जल्द अपन हिंदी की क्लासें ऐप के अंदर शुरू हो जाएगी आपकी। यहाँ पर ये एक डेमो था जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बात की, और देखिएगा जो पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में मैंने आपको बताया है, आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है वो अभी से लिख लो। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनको नोट कर दो, जिसमें सबसे पहला आपका है पर्यायवाची। क्या है पर्यायवाची शब्द? क्या है पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्द के बाद दूसरा आप क्या नोट करोगे? दूसरा आप नोट कर दो विलोम शब्द। क्या नोट करो दोस्तों? विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद तीसरा आप नोट करो एक शब्द। क्या नोट करो? एक शब्द। चौथा आपको नोट करना है अर्थयुगम। क्या नोट करना है? अर्थयुगम। अर्थयुगम। पांचवा आपको नोट करना है शब्द शुद्धि। क्या नोट करना है? शब्द शुद्धि। और छठा आपको नोट करना है मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या नोट करना है? मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां, लोगों के द्वारा बोली गई उक्तियां, जिनको क्या कहा गया? लोकोक्तियां। ये चीजें आपको है ना, इनमें से मुझे एक भी ऐसी चीजें तो बताओ कि सर ये चीज हम एक दिन में याद कर सकते हैं? क्या सारे के सारे पर्यायवाची शब्द आप एक दिन में याद कर सकते? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप एक ही दिन के अंदर सारे विलोम शब्द याद कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। एक शब्द एक दिन में याद कर सकते हैं क्या? नहीं। इनको भी थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि उपत्यका अधिपत्यका में क्या है, मिस्टेक हो ही जाती है। और अर्थयुगम है तो अर्थ तो भाई सारे एक साथ याद नहीं कर सकते हैं। शब्द शुद्धि, कुछ शब्द अपन गलत लिखते आ रहे हैं तो आप शब्दों को देखो, सही शब्द कौन से, उनको याद रखो कि आगे से मुझे अतिशोक्ति शब्द है वो ऐसे लिखना है, अतिशोक्ति ऐसे लिखा जाएगा, अनावश्यक ऐसे लिखा जाएगा, वो सेट करना पड़ेगा। और मुहावरे और लोकोक्तियां, जो भी आप कन्फ्यूजन नहीं हो, गरीबी में आटा गीला ना हो इसलिए क्या है ये भी आपको, तो इनको आपको क्या करना, पर्यायवाची लगभग आपके 201 होंगे। अब देखो इनके लिए आप अगर हिंदी की कोई बुक पढ़ते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक लाना नवीन हिंदी व्याकरण। कैसी? नवीन हिंदी व्याकरण करके एक बुक आती है। कैसी बुक आती है? नवीन हिंदी व्याकरण करके एक हिंदी व्याकरण की बुक आती है, मतलब है नवीं से बारहवीं तक आएगी या छठी से नवीं तक की एक हिंदी व्याकरण की किताब आती, मार्केट में आपको मिल जाएगा। 100-150 रुपये लेंगे, यहाँ पे मेरे स्टूडियो में है नहीं तो मैं आपको वो बता देता, ठीक है, बाहर रखी हुई है कहीं, तो वो आपको क्या लानी है, वो आपको क्या मिल जाएगी उससे आपको, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आती है वो लानी है अपन को, दूसरी कोई किताब नहीं पढ़नी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हिंदी वाली पढ़ लेना। उनमें से आपको पर्यायवाची डेली के 10 शब्दों के पर्यायवाची याद करते चलने, जैसे आज कबूतर, कौआ, मोर, बंदर, भगवान, ऐसे किया, आकाश, नदी, कमाल, जल, इनके किए, ऐसे डेली 10-10 शब्दों के पर्यायवाची याद करो, एक साथ नहीं होंगे। हिंदी का आपका एक घंटा अलग से निकाल दो जिसमें आप 10-10 शब्दों के डेली पर्यायवाची याद करोगे, 20-20 शब्दों के विलोम याद करो, विलोम तो रह जाएंगे 20 शब्दों के आराम से, 20-20 एक शब्द याद करो डेली के, अर्थयुगम कम याद रहेंगे, 10-10 अर्थयुगम याद करो, और 20-30 शब्दों को देखो कि सही कैसे लिखा जाता है कोई शब्द, उसके साथ साथ क्या है मुहावरे, तो आप क्या है 20-25 जितने भी है वो ऐसे आप थोड़े थोड़े डेली करके चलोगे तो ही हिंदी में नंबर आएंगे। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि आपको 50 में से 30% सही करने में पसीने छूट जाएंगे दोस्तों, 25% बड़ी मुश्किल से सही होंगे, क्योंकि यहां से आपका कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, पर्यायवाची शब्द निकला एक ही दिन में सारा पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। अरे भाई एक ही दिन में तू कौन सा भगवान है, एक ही दिन में तुझे सारे पर्यायवाची कैसे याद हो जाएंगे? नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा डेली करना पड़ेगा। सफलता क्या है, एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। तो क्या है, एक दिन में कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये पोर्शन वाला आपको याद करके चलना। बाकी संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, उसके साथ साथ अपने क्या है वाक्य विचार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनका आप टेंशन अपने ऊपर छोड़ दो, सारा कुछ आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा। हालांकि ये भी करवाए जाएंगे, लेकिन ये एक साथ याद नहीं होंगे, इसलिए कह रहा हूं कि अभी से आप क्या थोड़े थोड़े याद करते चलो। तो ये भाई अपने हिंदी की पूरी पृष्ठभूमि थी, हिंदी के सिलेबस वगैरह के बारे में आपने बात की और अच्छे से अपन ने क्या इन चीजों को समझा है। तो ये अपना हिंदी हो गया, ठीक है। अब ये हिंदी का आपका सिलेबस है, आप अगर बुक वगैरह कौन सी लानी आपको बता दिया, और बहुत ही जल्द आपकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि मैं ऐप में लाइव भी आऊंगा थोड़ी देर बाद, तो वहां पर अपन क्या डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।